मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है, और उत्तर में बाबा कहते हैं, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, एक एक रत्न पद्मपति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो, मुख से सदैव रत्न निकालते रहें तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देख कर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इस वरदान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। मुरली का गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। भल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नयनों से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है कि जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं कि मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ, माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कितने स्वीट थे। बरोबर, तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नजर से देखते हो। कहां मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं कि ये स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं तो वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट थे स्वीटेस्ट, मीठे थे मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी है वो होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहां जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं। बाप जानते हैं कि यह सब स्वीट चिल्ड्रन है, घर के बच्चे हैं, सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नजर हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उनके लिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है। यह है गुप्त, इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं लेकिन पूरा परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप ना आए तो यह पति तो दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भल अपने को शिवोहम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे रहते हो। शिवोहम, हम भगवान हैं, भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे, स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डिनाइस्टी रची जा रही है, स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा ही बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना, यज्ञ रचते तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं।
उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूजे थे, फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उनका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए। फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था, सत्ययुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है, समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। भगवान को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल। पुकारना माना आवाहन करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आवाहन करते हैं। सत्युग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉडफादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई कभी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक की ही निराकार की करेंगे। सबको मिला देते हैं, अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ, सबको इकट्ठा कर दिया है। व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि हम पापी नीच कड़वे हैं। वह तो बहुत मीठे है ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। तत्वम, यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहां यह नॉलेज नहीं होगी। हम वहां यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं। बात तो बाकी क्या काम करें, यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना है, यह एक मुख्य बात न भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं है, सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी ये पता नहीं कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम करते रहते, माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता, ना कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं कि यह सब क्या है। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सत्युग में यह कुछ भी नहीं होगी। अब भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान की प्रलब्ध आधा कल्प चलती है। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है, भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजोतमो हो जाती है। तो जैसे यह भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजोतमो होता है। यह समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है कि हम आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ड, फिर है मूवी, यह टॉकी,
तीन लोग हैं ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते हो। दुनिया में और कोई जान ना सके। तुम जानते हो कि हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहां की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे हैं थोड़ी। अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो? फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके? नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बाप बड़ा, हम आत्माएं छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलवड है। तुम जानते हो, अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे ते मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियां निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में यह नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अजून अंधियारा होगा, यह है ही घोर अंधियारा। मनुष्य यह नहीं जानते, अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गतमत न्यारी है। तुम तो समझते हो कि ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हमसो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना, बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना, इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर वन में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना, वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, यह है ज्ञान रत्न। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं, सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं। बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, तो यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते हैं जाओ, जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे ते कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी, योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी, अब रोगी बन गए हैं, हिसाब तो है ना। परंतु मनुष्य जानते नहीं कि बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, उसमें विष भरने से ये हाल हो गया। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। सेकंड पॉइंट है बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। बाबा ने आज वरदान दिया,
अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, है ना। बाबा के बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन है, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।